नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको क्रिप्टो की पूरी इकोसिस्टम बनानी है अपनी खुद की, तो हम आपको क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की A to Z सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप यहां पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो और आइए देखते हैं आप खुद की क्रिप्टो इकोसिस्टम कैसे डेवलप कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पूरे क्रिप्टो लाइफ साइकिल के बारे में। दोस्तों, क्रिप्टो का पूरा इकोसिस्टम अगर आपको शुरू करना है तो मार्केट में ये क्यों नॉलेज ही नहीं दे रहा है। सब लोग ये बताते हैं कि भाई ट्रेडिंग कैसे करना है, कौन सा क्रिप्टो अच्छा है, लेकिन खुद का क्रिप्टो अगर शुरू करना है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ये आज तक किसी ने बताया नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि अगर आपको खुद का क्रिप्टो शुरू करना है तो हम आपको A to Z सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्रिप्टो टोकन डेवलपमेंट से लेकर रोड मैप बनाना, किस तरीके से कम्युनिटी को एंगेज करना है, खुद का ब्लॉकचेन कैसे बनाना है, एक्सचेंज कैसे बनाना है, खुद का डेक्स कैसे बनाना है, वॉलेट कैसे क्रिएट करना है, इवन आप चाहते हो कि खुद का ब्लॉकचेन बनाओ, ब्लॉकचेन भी हम आपको बना के देंगे, और आप चाहते हो कि आपके टोकन का, आपके क्रिप्टो का ATM कार्ड भी लाना है जो इंडिया के ATM मशीन में आप उसको कैश विड्रॉ कर सको, तो ये सारी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जब आपको अपना खुद का क्रिप्टो टोकन शुरू करना है तो सबसे पहले आता है टोकन। तो दोस्तों, टोकन में आपको टोकन का नेम क्या रहेगा, सिंबल क्या रहेगा, सप्लाई कितना रखना है, ये आपकी तरफ से इनपुट चाहिए। ओके, तो आपको ये बताना है कि टोकन का नेम कौन सा रखना है, थोड़ा यूनिक रखना, सिंबल किसी ने यूज ना किया हो ऐसा रखोगे तो और बेटर रहेगा, सप्लाई कितना रखना है, कौन से ब्लॉकचेन पे आपको जाना है। ओके, BSC चेन है या TRC20 है, इथेरियम चेन है या सोलाना है, पोलीगोन है, किस ब्लॉकचेन के ऊपर जाना है, आपको रोड मैप कैसे बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें टाइम जाता है। आपने ऐसा मत करना कि भाई आज हमने मीटिंग किया, आज फाइनल किया और कल क्रिप्टो लॉन्च करना, ऐसा नहीं होता है। सब चीजें एक टाइम लेकर आती है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चेन कौन सा रखना है, रोड मैप कैसा रखना है, वेबसाइट में कंटेंट कैसे रखने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए कंटेंट ढूंढने पड़ते हैं, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है पहले ही स्टेप में आप एक पर्सन को हायर कर लो जो होगा आपका ग्राफिक डिजाइनर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ग्राफिक का काम है। ग्राफिक डिजाइनर जो है वो आपकी कंपनी का फ्रंट फेस है। ओके, ग्राफिक डिजाइनर आपकी कंपनी के पोस्टर्स क्रिएट करेगा, बैनर्स क्रिएट करेगा, कुछ अनाउंसमेंट आ रही है, तो वो जितने ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे ना उतना ज्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो ग्राफिक डिजाइनर आपको हायर करना जरूरी है। आप उसको फ्रीलांसर्स आप ढूंढ लो या फिर आप उसको सैलरी पे रख लो, आपको जो करना है वो करो, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर आपके पास होना चाहिए। लोगो भी उनके पास बनवाओ, पोस्टर्स डिजाइन सब कुछ उनके पास बनवाओ, तो वो आपको बहुत ही अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा और आप उनके साथ बैठ के डिजाइन भी कर सकते हो। दूसरा है फंडरेज। टोकन बन गया, वेबसाइट बन गया, लॉन्च हो गया, अब दूसरा पार्ट आता है फंडरेज कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास 50 लाख 1 करोड़ तो है नहीं। ओके, 2-5 लाख आपके पास होंगे, तो अभी कैसे फंडरेज करना है। फंडरेज के लिए दो तरीका है, आप ट्रेडिशनल भी जा सकते हो और आप स्टेकिंग और फार्मिंग कॉन्सेप्ट भी ला सकते हो। ट्रेडिशनल का मतलब क्या है, सोशल मीडिया प्रमोशन कराइए, आप इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे मार्केट में है उनसे आप प्रमोशन कराइए, यहाँ पे थोड़ा खर्चा लगेगा। ट्रेडिशनल में जाने के लिए आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, कॉइन मार्केट कैप पे पहले से ही लिस्ट होना पड़ेगा, एक एक्सचेंज पे आपको लिस्ट होना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा खर्चा होता है। तो अगर आप स्टेकिंग फार्मिंग करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक पहले से वेल डिफाइंड नेटवर्क होता है, उसमें आप स्टेकिंग फार्मिंग का रिवॉर्ड देके उनको आप ला सकते हो, वहां से आपको फंडिंग मिलेगा और कुछ समय आप स्टेकिंग फार्मिंग रिवॉर्ड देके आप फंडरेज करके आप अपनी पूरी इकोसिस्टम को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेकिंग फार्मिंग भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। अगर आपके पास स्टेकिंग फार्मिंग कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम आपको बना के देंगे। आपके पास टीम होनी जरूरी है, अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप उसको नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो ट्रेडिशनल करना है उसके लिए आपके पास एक अच्छा फंड चाहिए, अगर अच्छा फंड नहीं है तो आपको स्टेकिंग और फार्मिंग कॉन्सेप्ट के जरिए आपको अपने प्रोजेक्ट पे फंड रेज करके उसको डेवलप करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी मैनेजमेंट, कि आप चाहे ट्रेडिशनल में जाओ या स्टेकिंग फार्मिंग में जाओ, आपके पास एक कम्युनिटी आएगी, लोग आएंगे, उसको मैनेज कैसे करना है। कम्युनिटी मैनेज करने के लिए आपको सोशल मीडिया के कोई भी एक पर्सन को हायर करना फिर से जरूरी है, वो आप खुद करो तो भी बेटर है, लेकिन सब चीजें हो सकता है आप ना करो, या फिर अगर आपके साथ और कोई पार्टनर है तो उनको सौंप दो। तो यहां पे सोशल मीडिया में टेलीग्राम और ट्विटर, ये सबसे ज्यादा एंगेजमेंट वाली दो नेटवर्क है। तो टेलीग्राम पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, टेलीग्राम पे आपको चैनल भी बनानी होगी और टेलीग्राम पे आपको अपना ग्रुप भी बनाना होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्रुप में कोई ऐसे स्पैमर्स ना आ जाए, ओके, ऐसे क्रॉस प्रमोशन वाले ना आ जाए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। टेलीग्राम और ट्विटर, ट्विटर पे आपको अकाउंट क्रिएट करना है। मेजोरिटी क्रिप्टो की जो कम्युनिटी है वो टेलीग्राम और ट्विटर पे एक्टिव रहती है। इसके अलावा इंस्टाग्राम है, आप ईमेल्स को मैनेज कर सकते हो, फेसबुक है, ऐसे और भी सारे डिस्कॉर्ड है, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो टेलीग्राम और ट्विटर है। तो यहाँ पे भी आप चाहो तो एक पर्सन को हायर कर सकते हो जो आपके कम्युनिटी को मैनेज करे, उसको इंग्लिश आना चाहिए और अगर कोई और लैंग्वेज में बात करता है तो ट्रांसलेटर का आप हेल्प ले सकते हो। ओके, अब आता है मार्केटिंग एंड प्रमोशन।
जब भी आप ये ट्रेडिशनल में या उसमें जाएंगे तो इसमें एक और चीज है मार्केटिंग प्रमोशन। तो मार्केटिंग प्रमोशन हो सकता है अगर आप स्टेकिंग फार्मिंग के जरिए जा रहे हो तो इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता है। अगर आप ट्रेडिशनल जाएंगे तो थोड़ा खर्चा आपका होगा। अब मार्केटिंग प्रमोशन में दो कॉस्टिंग होते हैं, एक होता है डेवलपमेंट कॉस्ट और दूसरा होता है मार्केटिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट। तो डेवलपमेंट कॉस्ट में क्या रहेगा, पीडीएफ, बैनर्स, पोस्टर्स, ब्रांडिंग वीडियोस, तो ये सब चीजें आपको बनानी पड़ेगी। अब इसको ना अच्छी क्वालिटी का बनवाना अगर आपको बनाना है, ये नॉर्मली कौन बनाता है, पीडीएफ, बैनर, पोस्टर्स, ब्रांडिंग वीडियोस, ये तीन चीजें तो जो है पीडीएफ, बैनर्स, पोस्टर्स, ये आपका ग्राफिक डिजाइनर बना के दे देगा आपको, ठीक है। आपको उसको हायर इसलिए करना है क्योंकि हर रोज आपको कोई ना कोई पोस्ट डालनी होगी सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर, तो वो पोस्ट कौन बनाएगा, वो आपका ग्राफिक डिजाइनर बनाएगा। तो उसको आपको हायर करना है तो वो पीडीएफ भी बना के देगा, बैनर्स, पोस्टर, वो सब कुछ आपको बना के देगा। ब्रांडिंग वीडियो के लिए आप कुछ ऐसे हमारे पास रेफरेंसेस हैं, उनके जरिए आप इंटरनेशनल ब्रांडिंग वीडियोस भी बना सकते हो। तो ये हो गया डेवलपमेंट कॉस्ट, ये क्या हुआ, अभी आपका सिर्फ डेवलप हुआ है। इसके बाद आता है इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, या फिर आप न्यूज और आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया है या ऐसे ब्लॉग्स लिखवा सकते हो जिसके जरिए आपका ऑटोमेटिकली एसईओ हो जाएगा और लोगों को अवेयर भी होगा कि इस नाम का कोई टोकन जो है वो मार्केट में लिस्ट हुआ है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो आज का सबसे हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला मार्केटिंग है कि यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जिनके पास पहले से क्रिप्टो के बायर्स का एक कम्युनिटी होता है और अगर वो लोग कहते हैं कि भाई ये क्रिप्टो टोकन नया आया है यहाँ से आपको बेनिफिट होगा इसको आप होल्ड कर लो, तो यहाँ भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो आपको अगर ये करवाना है तो वो भी हम आपको करा के देंगे, अगर आपको आर्टिकल्स छपवाने हैं तो वो भी हमको करके देंगे। अब ये यहां तक ना आपका काम हो रहा है, अब आपकी सिस्टम जो है वो ऑलरेडी उड़ान भर चुके हैं, अभी आपको उसको सस्टेन करना है, एक स्टेबल करना है और स्टेबिलिटी के साथ अपने को ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ यूज केसेस डेवलप करने होंगे, यूटिलिटी सर्विस आपको या यूज केस डेवलप करने होंगे। यूज केस अगर आप डेवलप कर रहे हो तो कम्युनिटी ये जानेगी कि यहाँ पे कंपनी जो है वो एक्टिव है, बैकएंड में कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हर एक से दो महीने के अंदर आपकी कम्युनिटी में कोई ना कोई गुड न्यूज या कोई ना कोई नया चीजों के लॉन्चिंग होनी चाहिए। लगातार 6 महीने से 1 साल में अगर आप ये चीजें कर रहे हो तो कम्युनिटी को एक एंगेजमेंट काफी अच्छा रहेगा, लोग आपके ऊपर बिलीव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे और डेफिनेटली आपकी कम्युनिटी काफी अच्छी हो जाएगी। अब उसमें क्या कर सकते हो, आप एक पोर्टल बना सकते हो, जिसमें अभी इंडिया में हम है, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको रिचार्ज पोर्टल रखना है आपके क्रिप्टो, आप जो क्रिप्टो आपका है उसके जरिए आप रिचार्ज कर पाओ, मोबाइल रिचार्ज कर पाओ, तो वो हम आपको बना के दे सकते हैं। आपका खुद का पैनकेक स्वैप और यूनिस्वैप की तरह डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करना है तो वो भी हम आपको बना के देंगे। आपको अपना खुद का सेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च करना है बिटपार्ट, बिटगेट, उसके जैसा, तो वो भी हम आपको बना के देंगे। अभी क्रिप्टो में ना सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो क्रिप्टो की गेम है। अगर आपको क्रिप्टो गेम बनानी है इसमें 2-3 तरह की गेम आती है, एक मिनी गेम आती है जो 1-2 मिनट में खत्म हो जाती है, लेकिन इससे क्या होता है कि एंगेजमेंट बहुत बढ़ता है, लोग एक दिन में 200-250 गेम खेलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्रिप्टो गेम बनानी हो तो वो भी आप बना सकते हो। आपको खुद का ब्लॉकचेन बनाना है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक अच्छा फंड आया है 4-5 CR का तो मेरा एडवाइस ये है कि खुद का ब्लॉकचेन बनाओ, ये अनाउंसमेंट से ही आपका इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ जाएगा क्योंकि आप ना ब्लॉकचेन बना रहे हो। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया आपको क्रिप्टो का एटीएम कार्ड आपको लॉन्च करना है या आपको क्यूआर कोड स्कैन करने का यूपीआई जैसे सिस्टम बनाना है तो वो सब कुछ चीजें हम आपको क्रिएट करके देंगे। तो आपको यहाँ पे क्रिप्टो में टोकन डेवलपमेंट से लेके ब्लॉकचेन डेवलपमेंट जो जो सर्विसेज चाहिए वो सारी सर्विसेज हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे दिए गए नंबर पे संपर्क करना है, एक जूम मीट हम अरेंज करेंगे जिसमें आपको सब कुछ डिटेल्स बताएंगे कि हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको हम पूछेंगे कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप क्या रूम मीट लेके चल रहे हो, आप कितना बजट लेके चल रहे हो, उसके बेस पे हम आपको रूम मीट देंगे। आप रूम मीट पे डील फाइनल कर सकते हो या फिर आप थैंक यू।